तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं डेडपुल और वुल्वरीन का रिव्यू कि ये पर्सनली मूवी मुझे कैसी लगी, क्योंकि शाम को 5 बज चुके हैं। आप सोच रहे होंगे इतना लेट कैसे हो गए, तो भाई अपडेट भी देने होते हैं क्योंकि संडे को कॉमिक कॉन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, जो कि होगा मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे से, जो कि MCU ऑफिशियली H हॉल में आएगा और अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला है। तो उन सब अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर लें X हैंडल पर, क्योंकि मैं लाइव ट्वीटिंग करूंगा और आपको सारे के सारे अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। पर उससे पहले इस वीडियो में बात करते हैं डेडपुल और वुल्वरीन की मूवी के रिव्यू के बारे में कि ये मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी। और अभी तक अगर आप घर पर बैठे हो और सोच रहे हो OTT पे देखेंगे या कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो आप डाई हार्ट फैंस बिल्कुल भी नहीं है। तो जाकर अभी मूवी जाके थिएटर में देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तुम तो हमेशा ही गलत थे लोगन, फिर सही हो गए। तू तैयार है? हाँ भसड़खोर, मैं तैयार हूँ। तो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो फाइनली मैं डेडपुल और वुल्वरीन मूवी देखे आया और ये मुझे कैसी लगी, तो मैं बस एक ही शब्द बोलूंगा, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। इससे बेटर मुझे अब तक की कोई भी डेडपुल मूवी नहीं लगी। डेडपुल मैंने 1 देखी, 2 देखी, पर डेडपुल 3 ने तो भाई कमाल ही कर दिया। इस मूवी को जब मैंने थिएटर में देखना स्टार्ट करा, मतलब जैसे उसका फर्स्ट हाफ देखा था, तो उसने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो हुक बनाए रखा, जो पीक बनाए रखा, वो शायद मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ या कुछ ऐसे सीन्स मेरे को देख कर लगा नहीं कि भाई यहाँ पर भाई टूट गया मामला। पर नहीं, ये मूवी सिर्फ फैंस के लिए बनी थी। और वुल्वरीन का जो ढंग से इन्होंने निचोड़ निकाला है भाई, जबरदस्त। एक गन्ने का जो रस निकाला जाता है ना, जब उसको 2-3 बार लपेट लिया जाता है मशीन में, उसका पूरा पूरा रस निकलता है ना, ऐसे ही आज MCU वालों ने, मार्वल स्टूडियो ने पूरा अच्छी तरीके से यूज़ करा है वुल्वरीन का। इसमें एक्शन पैक और उसी के साथ एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट सीन, जो जोक्स हैं डेडपुल के, वुल्वरीन के जो एक्शन सीन है, एवरीथिंग, सब कुछ जबरदस्त था। बैकग्राउंड म्यूजिक से भी रिलेटिव, और जो कैमियो है भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे। मतलब कह नहीं सकता है कोई कि कोई भी कैमियो उसमें फालतू का था। और जो ट्रिब्यूट दिया गया है एक्समैन को, जो पुरानी मूवीज़ को ट्रिब्यूट दिया गया है भाई, वो कमाल का था। मतलब अब तक जितनी हम मूवीज़ देखते आ रहे थे जो कि अलग मार्वल्स के बैनर में बननी थी, सोनी की, फॉक्स की, यूनिवर्सल की, वो सब थे इसमें भाई, सब के सब। मैं बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, फिर विवाद हो जाएगा, फिर आप कमेंट में कहोगे भाई आपने अभी से क्यों बता दिया, बस आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। तो ये मूवी तो भाई थिएटर में देखने लायक है, जाके देखो। घर पे इसी सोचो मत कि OTT पे देखेंगे, नहीं, अभी जाके देखो। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मुझे लगता है पर्सनली जब रियान ने कहा हो कि भाई अब तो फॉक्स के राइट से नहीं आ गए मार्वल के पास, तो हमारी डेडपुल मूवी बनाने का ये सही समय है, तो शायद केविन फाइगी ने ऑफिशियली उनको सारे राइट्स दे दी होंगी, भाई तुम्हें जो करना है करो। तो डेडपुल की तो मुझे लगता है कि लिस्ट इस तरीके से होगी कि भाई कैमियो डाल दूं, जी तक नहीं पूछोगे कहाँ से कैमियो, कौन से कैमियो, कहाँ से डल रहे हैं, डाल दो। बैकग्राउंड बढ़िया से बढ़िया डाल दो, डायरेक्टर भाई बढ़िया बेहतरीन, कैमियो में वुल्वरीन को ले लिया और ऐसी स्टोरी निकाल कर लाए, ऐसा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए जो कि लाजवाब था, जबरदस्त था। तो मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी, मैं तो उसे 10 में से 10 देना चाहूँगा। और रेटिंग रोटेड टोमेटोज पर देखो कितनी अच्छी चली रही है, बाकी अगर इससे ज़्यादा नंबर देने को होते तो मैं 100% देता। तो ये मूवी मेरे हिसाब से, डाई फैन के हिसाब से, ये मूवी 10 में से 10 स्टार के काबिल है, 10 में से 10 नंबर के काबिल है। बाकी आपको ये पर्सनल मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ कल है संडे को कॉमिक कॉन 6:30 बजे से, देखो मेरा गला बैठ गया इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बस समझ लो कि मैंने कितना हल्ला मचाया होगा। क्या आपने भी इतना हल्ला मचाया मुझे बताना ज़रूर। और कल है संडे को कॉमिक कॉन 6:30 बजे, तो भाई ज़रूर आना ट्विटर पर और सारे अपडेट बताऊंगा मैं आपको कि मार्वल स्टूडियो क्या क्या प्रेजेंट कर सकता है। बाकी ओवरऑल मुझे डेडपूल बहुत बढ़िया लगी, आप सब भी जाके थिएटर में देखिएगा। बाय बाय।